friends, today we are going to study international trade, which is a part of economics. First of all, before starting the session international trade, we should be knowing what is the meaning of national trade and why the company or the country is going for the international trade. Definition of national trade. Domestic business is defined as the business whose economic transaction is conducted within the geographical limit of the country. और ये एक ऐसा business प्रथा है जिसमें हम अपना business अपनी national boundaries के अंदर करते हैं, मतलब we are not connecting any other countries of the world for our business. Second is international trade. International trade refer to a business which is not restricted to single country. That is business which is engaged in the economic transaction with the several countries of the world. देखो कोई भी country self dependent नहीं है, so definitely they will have to go for international transaction for the different countries of the world where they are having the resource which we don't have or the technology which they are having we don't have. So we will have to import the technology or resources of the particular raw material from the particular countries, and this is the basic reason for having the international trade. Let us discuss the difference between international trade and internal trade. First, the basic difference is area of operation. Whenever we are going for international trade, we are having business with the different countries of the world, while national trade is within the political boundaries of the countries, business between the different states of the country. Second, quality of the products. Whenever we are going for the international trade, we have seen the quality of the product of the imported product is quite good as compared to national products. So definitely reason ये है कि हम imported products purchase करना चाहते हैं, उसका reason एकमात्र है कि भाई quality जो national products की होती है इससे international products क्या होती है ज़्यादा बेहतर होती है. So definitely we are ready to pay the high prices for it. Next is currency. जब बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की या इंटरनल ट्रेड की, इंटरनल ट्रेड में करेंसी सेम रहेगी. सपोज इंडिया में कोई भी जगह पे बिजनेस करो, कोई भी स्टेट में बिजनेस करो, डेफिनेटली तो वहां पे आपकी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज रहेगी. बट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपकी करेंसी डिपेंड्स कि आप किस कंट्री के साथ डीलिंग कर रहे हैं, वो करेंसी आपकी बदल जाएगी. सपोज आप जापान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, येन आएगा. आप अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो डॉलर आ जाएगा. नेक्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो नेशनल बिजनेस में कम रहता है, क्योंकि हमें जो डिमांड सेटिस्फाई करनी है वो पर्टिकुलर कंट्री की है, मतलब वहाँ की डिमांड पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन रहेगी. जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम वी आर हैविंग द कनेक्शन विद द मल्टीपल नेशन, तो उनकी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए आपको मल्टीपल प्लांट्स मल्टीपल कंट्रीज में लगाने पड़ेंगे. जैसे इंटरनेशनल एमएनसीज कंपनियाँ 10 या 12 देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करती है, तो डेफिनेटली वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा इट विल बी मोर एज कम्पेयर टू नेशनल बिजनेस. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन बहुत कम रहेंगे, नेशनल लॉज अप्लाई होंगे. बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की तो इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग देशों के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे. वहाँ पे अलग अलग देश अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जैसे वो टैरिफ लगाएंगे, अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होगा देशों का, वो कोटास लगा देंगे अपने देश के बिजनेस को बचाने के लिए. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कस्टमर. नेचर ऑफ कस्टमर देश में देखोगे तो नियरली ऑल सेम होगा. जैसे एक बार जापान के, तो जापान का कस्टमर विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड डेफिनेटली उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पर्टिकुलर पैटर्न एडॉप्ट करना पड़ेगा. बात हम इंटरनेशनल ट्रेड की करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग देशों में अलग अलग कस्टमर रिसाइड करें, उनकी नीड पैटर्न लाइफ डिसलाइक टेस्ट प्रेफरेंसेस सब क्या होंगे डिफरेंट होंगे, तो उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बना के देनी पड़ेगी. जैसे एग्जांपल मोबाइल का लीजिए कि मोबाइल कंपनियां जब इंडिया के लिए मोबाइल बनाती है तो उसमें लैंग्वेज में इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती है जैसे हिंदी गुजराती उनको लैंग्वेज पे ऐड करना पड़ेगा, देन द पीपल ऑफ द इंडिया विल बी रेडी टू परचेज योर फोन. नेक्स्ट इज रिसर्च. रिसर्च करना एकदम आसान है नेशनल ट्रेड में, क्योंकि आपको पर्टिकुलर नेशन के लाइक डिसलाइक टेस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेचनी है, तो इट इज वेरी इजी जॉब. टाइम कंजम्पशन कम हुआ, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ.
बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग देशों में जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, उनकी लाइक डिसलाइक के बारे में रिसर्च करनी है, तो टाइम कंजम्पशन विल बी मोर, सेकंड अमाउंट ऑफ मनी विच विल बी स्पेंड ऑन रिसर्च विल ऑल्सो बी मोर, तो इससे क्या होगा कि हमें खर्चा ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा मोबाइल नहीं है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है उसके कारण कुछ हद तक हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबाइल कर सकते हैं। नेशनल ट्रेड में एक राज्य से दूसरे राज्य तक आप लेबर कैपिटल को ले जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या है? सिंपली ट्रेड क्या है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी मेड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पे ईयर मतलब एकेडमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, जनरली जो अप्रैल से मार्च तक चलता है, मतलब एक देश ने दूसरे देश के साथ जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो लेन देन किए उनको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इसमें रिकॉर्ड क्या रखा जाएगा, टेंजिबल आइटम्स मतलब जिसे हम देख सकते हैं छू सकते, सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज वेरिएबिलिटी, वेरिएबल है ना, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड हर बार बैलेंस हो ऐसा जरूर नहीं, कई बार फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, यहाँ ऐसा भी होगा कि बैलेंस स्थिति का निर्माण हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होगा सेम रहेगा, तो ये फेवरेबल अनफेवरेबल या बैलेंस सिचुएशन का निर्माण हो सकता है। डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सेट ऑफ अकाउंट दैट रिकॉग्नाइज द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड विद रिमेनिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे हम सिर्फ ट्रेड बिजनेस नहीं कर रहे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन सर्विसेज एनी डिफरेंट अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर बीइंग हैपन विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट किए जाएंगे। इट कंबाइन ऑल द पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमिक ईयर ऑफ पीरियड। दूसरा इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, जैसे एक देश को ज्यादा एक्सेस पैसे दूसरे देश के पास कम पैसे, तो डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में करते, जिसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सपोज इंडिया की बात करते, वी आर इन्वाइटिंग अदर नेशंस टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, तो यहाँ पे वो इनफ्लो ऑफ कैपिटल आएगा, यहाँ हम दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। इसमें भी स्थिति या तो बैलेंस रहेगी या सरप्लस रहेगी या डेफिसिट रहेगी। उसके बाद करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, दिस आर द टू पार्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, अकाउंट दैट कीप बोथ रिकॉर्ड ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम। टेंजिबल इनकम में क्या होगा, तो कि गुड्स विच आर इनटेंजिबल रिसीव इन सर्विसेज इनकम। टेंजिबल आइटम मतलब क्या, जिसे देख सकते छू सकते, इंटेंजिबल आइटम है जिसमें हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते, जैसे सर्विसेज इसमें इंक्लूड की जा सकती। दूसरा कैपिटल अकाउंट है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, व्हाट विल बी इंक्लूडेड, दैट अकाउंट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड एंड इनकम जनरेटेड कलेक्टिवली बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अलग अलग देश के अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज या उनकी सरकारें दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, तो या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। हमारे पास जब पैसा डेफिसिट होता है, बजट की बात करें डेफिसिट बजट आएगा, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, जैसे वर्ल्ड बैंक से हम सहायता लेंगे लोन लेंगे, तो पैसा देश में आ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में काउंट किया। दूसरा हमको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट जो है वो भी क्या होगा, वो पैसा देश से बाहर जा रहा है केस आउटफ्लो के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को लोन दे सकता है, एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में जानकारी रखता है। सेकंड, उसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आएंगे नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन काउंट की जाएगी। सेकंड डिफरेंस जो है, फिजिकल आइटम्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड में फिजिकल आइटम्स काउंट की जाएगी
जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में फिजिकल एज वेल एज नॉन फिजिकल आइटम्स काउंट करेंगे। फॉर डिफरेंस है कैपिटल रिसीप्ट और पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल रिसीप्ट पेमेंट का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल रिसीप्ट और पेमेंट यहाँ पे काउंट करेंगे, उसका जिक्र होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, तीन में कोई भी स्थिति होगी, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ही रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सा पिक्चर दिखा रहा है अपनी अर्थतंत्र का, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सो इज ओनली द हाफ पिक्चर। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो किया है वो ही चीज काउंट कर रहे, तो इसमें हमें देश दूसरे देश के साथ टोटल कितना डीलिंग कर रहा है वो सब जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंप्लीट पिक्चर इकोनॉमी का, इकोनॉमिक कंडीशंस की जानकारी दी जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन फॉर अयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरी दुनिया के साथ हमने जितने ट्रांजेक्शन किए वो सभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसमें क्या चीज आएगी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट किया जा चुका है, दूसरा इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो देखे नहीं जा सकते जैसे सर्विस सेक्टर्स, एंड द पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस। ट्रांसपोर्ट में हम कोई चीज परचेस नहीं कर रहे, सर्विसेज अवेल कर रहे, और सर्विसेज के लिए डेफिनेटली वी विल हैव टू मेक द पेमेंट फॉर दैट। टूरिस्ट ट्रैफिक हुआ, दूसरे देश हमारे देश में आके अपना पैसा यूज करते, घूमने आएंगे, हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे अपना पैसा स्पेंड करेंगे, यहाँ पे कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। सैलरीज ऑफ डिप्लोमेटिक को, हमारे देश के जो सैनिक होंगे जो एजेंसीज काम कर रही होगी इंटरनेशनल, उनकी सैलरीज हमारी गवर्नमेंट देगी लेकिन वो काम दूसरे देश में कर रहे। रेमिटेंस, हमारे इमिग्रेटेंस जो दूसरे देश में लोग रहते हैं वो अपने देश में अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिलीज को पैसा भेज रहे, तो यहाँ पे भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जब बात एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की आती है तो डिफरेंट करेंसीज में पेमेंट करना है, तो हमारी करेंसीज की वैल्यू अभी क्या है उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि हमें कितना पेमेंट ज्यादा करना है या कम करना है। ना क्वेश्चन अराइजेस के हम या कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट क्यों करेगी, तो उसके प्लस पॉइंट्स भी है और माइनस पॉइंट भी, लेकिन फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। व्हेन एनी गवर्नमेंट इंटेंशनली डिक्लेयर्स इट ऑन करेंसी चीपर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो एक गवर्नमेंट अपनी ही करेंसी का मूल्य कम कर रही है तो उसे फॉरेन करेंसीज की कंपैरिजन में हमारी करेंसी वो चीप हो जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया को हम डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी नाम देंगे। इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसीज की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हर एक कंट्री अपनी डिफरेंट मॉनिटरी पॉलिसीज के तहत कई बार अपनी करेंसीज को क्या करती है, डीवैल्यूएट करती है ताकि उसके लाभ प्राप्त किए जा सकते। डिफरेंट मेथड्स भी इसके लिए, फिक्स मेथड है, फ्लोटिंग मेथड है। रीजंस हम क्यों डीवैल्यूएशन करेंगे, फर्स्ट बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट। डीवैल्यूएशन आपकी करेंसीज का होगा तो आपके देश में से अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, मतलब अदर कंट्रीज, तो उसके लिए इंपोर्ट करना चीपर है, हमारे लिए एक्सपोर्ट करना यहाँ पे फायदेमंद होगा, इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट सस्ती हो जाएगी, तो दूसरे देश हमारे यहाँ से परचेस करना प्रेफर करेंगे। डिस्करेज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम करने के लिए डिवेल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट कम करेंगे मतलब क्या है कि अपने वैल्यूज करेंसीज की वैल्यू लो है, तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी तो उसके लिए हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन करेंसीज की वैल्यू ज्यादा है, हमारे करेंसीज की वैल्यू कम है, तो इनफैक्ट वी हैव टू मेक मोर पेमेंट्स। सो इससे इंपोर्ट करने में कोई लाभ नहीं होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, सो डिस्करेज ऑफ इंपोर्ट शुड बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब क्यों किया जा रहा है, मैंने बोला वैसे कि भाई हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है, हम एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें लेकिन दोनों की वैल्यूज तो सेम नहीं होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा या कम होगा, तो इनको बैलेंस करने के लिए वरना हमें एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक्सपोर्ट हमारे कम है और इंपोर्ट ज्यादा है,
तो हमें एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा। ये स्थिति को बैलेंस करने के लिए डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसीज का उपयोग किया जाएगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसी? डिवेल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा देश की कंट्रीज हमारे यहाँ से परचेस करना प्रीफर करें। इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ जाएगा कंट्रीज का। थर्ड, इट में रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रीजन क्या, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है तो मोर मैन पावर विल बी रिक्वायर्ड एंड ड्यू टू दैट एक्सपोर्ट विल बी मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड, तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो देश में बढ़ जाएगी। गुड बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन मेक्स इकोनॉमी साउंड, इससे इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, साउंड होगी कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट कम है तो इकोनॉमी को फायदा देखने को मिलेगा। इसके डिसएडवांटेजेस भी लेट अस सी कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन से कई बार न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा गुड्स मार्केट में, क्योंकि डिमांड है वो कम हो सकती है, क्योंकि इम्पोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे, तो उससे क्या होगा, इफेक्ट न्यूट्रलाइज भी हो सकती है। अदर कंट्री में रिटेन फॉर टिट फॉर टैट अप्रोच, हम जैसे अपनी करेंसीज को डिवेल्यूट करें अपने एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को सस्ता करने के लिए, दूसरी कंट्रीज भी यही करेगी, तो उसकी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकती। इंपोर्ट गुड कॉस्टलियर होगा, जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इंपोर्ट हमने बोला करेंसीज की वैल्यू लो है तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो क्या होगा, अगर इंपोर्ट कुछ चीज़ें जो जरूरी उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन उस चीज़ें जरूरी है उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें देश में ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी, जिससे लोकल लेवल पे वी हैव टू पे द मोर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टर्म है वो डंपिंग है। डंपिंग क्या है? तो डंपिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने देश में बनी हुई प्रोडक्ट दूसरे देश में सस्ती बेचेंगे, अपने देश में महंगी बेचते। द सेल ऑफ गुड्स एब्रोड एट ए हाई प्राइस विच इज लोअर देन सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम गुड एट ए सेम टाइम इन द सेम सर्कमस्टेंसेस एट होम टेकिंग इन टू अकाउंट डिफरेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्वेश्चन अराइजेस कि हम डंपिंग क्यों करते हैं, कि भाई एक्सेस प्रोडक्शन है। टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, चाइना सबसे ज्यादा डंपिंग करती है, तो एक्सेस प्रोडक्शन को दूसरे देशों में सेल करने के लिए हम डंपिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्ट दूसरे देशों में सस्ती और हमारे देश में महंगी, देन द पीपल ऑफ द अदर कंट्री विल बी रेडी टू परचेज अवर प्रोडक्ट। तो इसमें डंपिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें हम दूसरे देशों में, जैसे चाइना देखो तो चाइना इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स बेचती है वो सस्ती है, तो हम चाइनीज प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं। एडवांटेजेस डंपिंग के हैं, सेलर सेल बी एबल टू सेल लोकल प्रोडक्शन, मतलब कंपनी जितना भी कंट्री बनाते हैं सब सेल हो जाएगा, सस्ता है तो डेफिनेटली लाइन लगेगी, तो इससे हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो आसानी से सेल हो जाएगा। नए नए मार्केट्स में एंटर हो सकते हो, क्योंकि दूसरे देशों को जब पता चलेगा कि हम सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो भी हमारे पास प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट हेल्प टू एक्सपांड इंटरनेशनल मार्केट में, हमारा जो वॉल्यूम है मतलब टोटल सेल हमने कितना किया, टोटल एक्सपोर्ट कितना किया, तो दूसरे देशों की कंपेरिजन में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल चाइना के लिए, चाइना 40% to 50% पूरे दुनिया का प्रोडक्शन अपने देश में करता है, तो उसका रीज़न क्या है, डंपिंग पॉलिसीज। The world become more competitive, और जिससे ultimately फायदा कस्टमर को, सस्ती प्रोडक्ट मिलेगी ultimately फायदा तो कस्टमर को है ना। पहले एग्जाम्पल मोबाइल के लिए, मोबाइल बहुत महंगे थे, लेकिन चाइना जब से इंडिया में एंटर हुआ अपने मोबाइल मार्केट में, ओप्पो वीवो शाओमी रियलमी, तो इन सब कॉम्पिटिशन के कारण मोबाइल इंडिया में एकदम क्या हो गए, चीपर हो गए, जिससे अल्टीमेटली जो 5000 में ब्लैक एंड व्हाइट फोन मिलता था आज वही स्मार्टफोन हमें 7000 में इंडिया में इजी मिल गया। डिसएडवांटेजेस भी, ट्रेड डंपिंग हर बार फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि इससे हमें लॉस करके बिजनेस करना पड़े, ऐसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है अगर ट्रेड वो चलता है। प्रोड्यूसर इन एक्सपोर्ट कंट्री में डिमांड सब्सिडी, जो भी वहाँ की कंट्री है, कंपनी है सॉरी, वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज मांगेगी, जिससे गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ सकता है। ट्रेडिंग पार्टनर अपने बिजनेस को बचाने के लिए, जैसे इंडिया में जो भी कंपनीज है वो सरकार को प्रेशराइज करेगी कि चाइना एग्रेसिव सेलिंग इंडिया में कर रही है जिससे हमारा सेल कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट विल देयर टू प्रोटेक्ट देम, तो कोटा स्टेरिंग बैरियर्स लगा के इस डंपिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट टर्म
जो है वो एक्सचेंज रेट। देखो हम जब भी इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वी आर हैविंग द रिलेशन ऑफ ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स, डिफरेंट करेंसीज आ रहे। तो अलग अलग देशों की करेंसीज अलग अलग है, तो अलग अलग करेंसीज में हमें उन्हें पेमेंट करना है। तो हमें जब पेमेंट करना है, जैसे अमेरिका को पेमेंट करना है $1 का, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि भाई एक अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। तो हमें अपनी करेंसीज को कन्वर्ट करना है किसमें, $1, तो उसके लिए हमें कितना पेमेंट करना है। वो जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसे हम एक्सचेंज रेट बोलेंगे। एक्सचेंज रेट आर द अमाउंट ऑफ वन करेंसी यू कैन एक्सचेंज फॉर अनदर। एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फोन लेने जाते हैं, 10,000 का फोन, तो हम 10,000 दे रहे हैं, हमें मोबाइल दे रहा है, तो एक्सचेंज वैल्यू कितनी हुई, 10,000 रुपीज। यहाँ पे हमें करेंसीज परचेज करनी है, $1 के लिए हमें कितना पेमेंट करना होगा। एक्सचेंज रेट भी डिफरेंट टाइप है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है। फर्स्ट टूडे हम देखेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है, उसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलेंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम विच इन करेंसी वैल्यू इज अलाउड टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब क्या, डिमांड करेंसीज की कितनी डिमांड ज्यादा है तो करेंसीज की वैल्यू हाई हो जाएगी, डिमांड करेंसीज की लो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत मतलब करेंसीज की वैल्यू हाई भी होगी लो भी होगी। जैसे गोल्ड मार्केट का एग्जाम्पल लो, शेयर मार्केट का एग्जाम्पल लो, तो गोल्ड में डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाती है प्राइस कम हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी करेंसीज की वैल्यू ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, और करेंसीज की वैल्यू या डिमांड कम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, जो भी रेट चल रहा है वो चलने देगी। उस रेट पे अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है तो एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर को उस करेंसीज को कन्वर्ट करके अपना पेमेंट करना होगा। बेनिफिट्स भी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। फर्स्ट बेनिफिट है इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं, मतलब गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेन करके अपना टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, कंपनी की कंट्री अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकती है और सिचुएशन का लाभ ले सकती है। थर्ड, द सिस्टम प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो सकती है, डिपेंडिंग कि हम अपनी रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट कम करना है, हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो पेमेंट ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का लाभ, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है, बेटर यूटिलाइजेशन और रिसोर्स हम कर सकते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली डिसइंक्रीमेंट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने बोला डेफिसिट आएंगे, वेरिएशंस आते हैं, उस वेरिएशंस को रिमूव करने के लिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सहारा लिया जाएगा। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर आपकी करेंसीज की वैल्यू कम है तो आपके देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना नहीं है, तो कंट्रोल नहीं करना तो रिजर्व रखने की भी जरूरत है। Now, disadvantages of floating exchange rate. Floating exchange rate causes change in the price of imported goods may destabilize the economy. बार बार product के prices क्या होंगे change, क्योंकि daily market में currencies की demand बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, इससे demand export थोड़ा महंगा या सस्ता होगा, daily prices क्या होंगे change होते रहते, speculation होगा। अब price change होता है तो speculation होगा, price stable है तो speculation करना possible नहीं है। थर्ड जो है सेंसिटिव टू एक्सटर्नल सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी को अदर इकोनॉमीज के साथ कॉन्टेक्ट बनाए रखने पड़े कि भाई किस देश की करेंसी कम है उसकी वैल्यू कम है, हम वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा करेंगे तो हमें बेनिफिट हो सकता है। मतलब हमें सेंसिटिव लेना पड़ेगा कि किस देश के साथ डीलिंग करने से ज़्यादा फायदा है। सडन अगर करेंसीज की वैल्यू प्लस माइनस हो जाए तो इससे हमारा लार्ज कैपिटल दूसरे देश में चला जा सकता है। जैसे अभी हमने इम्पोर्ट किया, अभी वैल्यू करेंसीज की हाई है, जब लोग उसको पेमेंट का टाइम आया तब करेंसीज की वैल्यू हाई होगी, तो हमें एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट डेट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। करेंसी डिप्रिसिएशन नहीं होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जो है एक्सचेंज रेट, वो है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, इट इज एन सिस्टम और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ए करेंसी सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट
try to maintain currency value that is constant against the specific currency of. यहाँ पे सरकार चाहती है कि भाई उसकी currencies की value बार बार change नहीं होनी चाहिए, stable रहनी चाहिए. The government will put the effort to maintain the price of the currency in respect to the particular nation. Like जापान के साथ currencies के rates क्या होने चाहिए, stable होने चाहिए. हम चाहते हैं कि जापान के साथ dealing ज्यादा होता है हमारा, तो जापान के साथ हम currencies की value क्या रखेंगे, stable रखेंगे, ताकि हमें payment में plus minus deviation देखने को ना मिले. Fixed exchange rate के भी advantages है, let us see. फर्स्ट एडवांटेज है बेटर कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल रहेगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि सरकार अपनी वैल्यूज क्या करती है, स्थिर रखती है करेंसीज. बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में हम लाभ ले सकते हैं, फेवरेबल सेटल कर सकते हैं, मतलब हम अपनी करेंसीज की वैल्यू सेम रखेंगे तो पेमेंट के टाइम पे पेमेंट ज्यादा देना है पेमेंट कम देना है ऐसी समस्याएं नहीं खड़ी होगी, फेवरेबली सेटल हो जाएगा. डोमेस्टिक करेंसी की सेंसिटिविटी जो हमने देखा प्रीवियस टॉपिक में वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होती. एक्सचेंज रेट से यहाँ पे रिस्क जो है अनसर्टिनिटीज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज में करेंसीज की वैल्यू सेम रहेगी तो आपको करेंसीज की वैल्यूज प्लस माइनस होने का डर नहीं, अनसर्टिनिटीज रिमूव हो जाएगी. फिक्स एक्सचेंज रेट हेल्प द गवर्नमेंट टू फाइट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब अगर करेंसीज की वैल्यू डाउन हो गई प्लस हो गई तो इससे अल्टीमेटली जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है वो महंगा या सस्ता होगा, देश में प्रोडक्ट सस्ती या महंगी हो सकती है, तो कंट्रोल करना है अगर प्रोडक्ट की प्राइस को तो इसका सहारा लिया जा सकता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट के, जैसे मैंने एडवांटेजेस देखे वैसे उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है. जैसे सरकार को बहुत सारा स्टॉक ऑफ करेंसी रखनी पड़ेगी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि किसी भी चीज को आपको स्टेबल करना है तो ये आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है तो ही आप उस मार्केट में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है. ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्केट को एक्सपांड करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लिमिटेड करेंसीज के साथ डील करेंगे तो सामने वाली जो कंट्री है उसे ज्यादा पेमेंट देना पड़े तो वो हमारे पास इम्पोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इससे हमारी इम्पोर्ट वैल्यूज डाउन हो सकती है. इम्पोर्ट वैल्यू डाउन हो जाएगी तो हम जितना सेल दूसरे कंट्रीज को करना चाहते उतना नहीं कर पाएंगे, तो इससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन क्रिएट होगा. एंड नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने की, क्योंकि अपने आप ऑटो एडजस्ट नहीं है, आपकी मार्केट रेट जो है करेंसीज का वो सेम है तो यहाँ पे आपको पेमेंट के क्राइसिस के क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज टैरिफ. देखो कोई भी कंट्री अपने देश की कंट्री की जो कंपनीज है उनको बचाना चाहते हैं. हमने अभी डंपिंग की बात की तो डंपिंग में हम क्या करेंगे कि दूसरे देश अपने देश में सस्ता बेच रहे हैं तो अपने देश की जो भी कंट्री जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके जैसे बनाती है तो देश के लोग क्या करेंगे अपने देश की प्रोडक्ट नहीं लेंगे और दूसरे चाइनीज प्रोडक्ट सपोज प्रीफर करें तो यहाँ के देश की जो कंपनीज है उनको इफेक्ट होगा, तो वो सरकार के पास जाएगी बोलेगी भाई हमें प्रोटेक्ट कीजिए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है टैरिफ का इस्तेमाल करती है. टैरिफ क्या है, इन सिंपल टर्म टैरिफ इज अ टैक्स एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. इंपोर्टेड गुड जब अपने देश में आती है तो सरकार उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी डाल देगी, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, जैसे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अपने देश में महंगी हो जाएगी, डजंट मैटर वहाँ से सस्ती है लेकिन सरकार उस पर टैक्स बढ़ा देगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या होगी महंगी होगी, मतलब कंपेरेटिवली नेशनल प्रोडक्ट और इंटरनेशनल प्रोडक्ट के प्राइस सेम होंगे तो कस्टमर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट परचेस करनी चाहिए, इससे एक्सपोर्ट सॉरी इम्पोर्ट को डिस्करेजमेंट मिलता है. हम क्यों टैरिफ लगाएंगे और कंट्री क्यों टैरिफ लगाएंगे, फर्स्ट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करें. अपने देश की कंपनी जितनी भी है उसके प्रोडक्ट अगर कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो कंपनी बंद हो जाएगी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हम परचेज करते रहेंगे तो इससे ये होगा कि भाई देश की जो भी कंपनीज है उनकी प्रोडक्ट की डिमांड जीरो हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या क्रिएट होगी. प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, कई बार हम चाहते हैं कि भाई कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, जैसे खास करके जो इलीगल गुड्स जैसे ड्रग्स, तो ड्रग्स को सिगरेट को तंबाकू को अगर महंगा बनाएंगे तो कस्टमर क्या होगा,
उसका कंजम्पशन कम कर दे। तो इन सब चीजों को कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री, इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब क्या, ऐसी इंडस्ट्री जिनकी हमने अभी स्थापना की है, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, तो उनकी डेथ हो जाएगी। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में डिमांड कम है और अगर उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट अपनी सस्ती बेचते हैं, तो उनके सामने ये कंपनियां उनको टक्कर नहीं दे पाएगी, तो इससे ये कंपनियां क्या होगी, इनिशियल स्टेज में बंद हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी, कई बार हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं उसमें क्वालिटी इश्यूज आते हैं, उसमें सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस में हम इक्विपमेंट हम खुद बनाए, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि भाई इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स को महंगा बनाया जाए ताकि हम पर्टिकुलर कंट्रीज के पास से प्रोडक्ट ना परचेस करें। रीजन वाई टेरिफ इज लेविड, तो टेरिफ दो प्रकार की होगी, एक तो स्पेशल टेरिफ। स्पेशल टेरिफ क्या है, ए फिक्स फी लेविड ऑन वन यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इज नोन एज स्पेशल टेरिफ। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फिक्स अमाउंट ऑफ टेरिफ ली जाएगी, जैसे एक मोबाइल पे हम बोले कि भाई 20 रुपीज टेरिफ, तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, जितनी प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस पर फिक्स अमाउंट 20 रुपीज कलेक्ट किया जाएगा। एड वोलोरम टेरिफ सेकंड टाइप की टेरिफ है, जिसमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मतलब वैल्यू कितनी है, तो कि भाई 10,000 का फोन है 10% टैक्स है, तो 10,000 का 10% जो भी होगा वो वैल्यू आपके पास से कलेक्ट की जाएगी और वो इम्पोर्टेड गुड्स में क्या होगी, एड हो जाएगी, जिससे गुड्स की प्राइस 10% प्लस हो जाएगी। टेरिफ के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस ऑफ टेरिफ। फर्स्ट, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपने देश की जो भी कंपनी है वो चले, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो हर एक देश ये चाहता है, तो इसके लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल किया जाएगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगी बना के। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, देश में ही प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा नीड प्रोडक्शन की होगी, तो डिमांड फॉर एम्प्लॉय विल बी मोर। टैरिफ से सरकार को टैक्स में बढ़ोतरी मिलती है, सरकार के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ये सबसे बड़ा हथियार है कि हम चाहते हैं कि भाई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, वो देश में ही बननी चाहिए, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी सरकार बनाती है, जिसमें हम अपने देश के प्रोडक्ट को सस्ता बनाएंगे, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा बना देंगे, ताकि लोग अपने देश के प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करो, हम देश में प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर सकें। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ टेरिफ, टेरिफ के माइनस पॉइंट भी, कस्टमर को सफर करना पड़ेगा, इन द सेंस कि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेस करने जा रहा है तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट महंगी, उसके लिए टैक्स ज़्यादा है, तो कस्टमर विल हैव टू पे मोर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक क्वालिटी क्वेश्चन, क्योंकि डोमेस्टिक क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं है और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है और दोनों को प्राइस सेम है, तो कस्टमर क्या करेगा, क्वालिटी भी इश्यू आएगा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन इनएफिशियंट है, अगर सरकार प्रोटेक्ट करती है नेशनल कंट्रीज को, तो उनके मन में से जो डर है कंपटीशन का वो निकल जाएगा और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेगी, सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज करेगी, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाए। सरकार के पास से कंपनियां सब्सिडीज मांगेगी टैरिफ के तहत, जिसमें वापस जो सरकार ने जो टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया वो वापस किस में चला जाएगा, सब्सिडी देने में, जिसमें अल्टीमेटली देश को कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो कोटा है, कि भाई जब भी देश में इंपोर्ट्स को कम करना है तो या एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो सरकार उसके लिए कोटा लगा देती है। कोटा क्या है, तो ये लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, कि भाई देश में जो भी प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वान्टिटी हम क्या कर देंगे फिक्स कर, भाई इससे ज़्यादा हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, देश में करना चाहते हैं, डिमांड ज़्यादा है, सेलर परचेजर परचेस करना चाहता है, फिर भी उसे परचेस नहीं किया जाएगा। कोटास विल इंक्रीज द प्राइस, इससे प्राइस बढ़ जाएगी एंड क्वांटिटी विल बी रिड्यूस, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। विद कोटा द डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीजेस एंड इंपोर्टर विल गेट द रेवेन्यू, इससे डोमेस्टिक लेवल पे जो प्राइस है वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। एक फिजिकल लिमिटेशन है, जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वांटिटीज में क्या करते हैं, लिमिट लगा देंगे एक पर्टिकुलर साल के लिए, जैसे इस साल हम 60,000 टीवी ही इम्पोर्ट करेंगे, तो मतलब 60 की जगह अगर 1 लाख की डिमांड है फिर भी वो प्रोडक्ट को हम इम्पोर्ट नहीं कर पाए। एडवांटेजेस ऑफ कोटा, कोटास के भी एडवांटेजेस, फर्स्ट है कोटा से
इंपोर्ट की वैल्यूज अनचेंज रहेगी। मतलब हम चाहते हैं कि भाई इतना ही इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट्स की वैल्यूज बढ़ाने नहीं है ताकि पेमेंट में कोई समस्या ना हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन हो पाए, तो इस समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट मोर सर्टेन एंड प्रिसाइज आउटकम मिलेगा हमें, जिसमें इंपोर्ट की वैल्यूज जो है वो हम पर्टिकुलर ईयर में क्या कर सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं कि इस साल हम 200 करोड़ का ही इंपोर्ट करेंगे। कोटास फ्लेक्सिबल है, हम जब चाहे तब कोटास में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम लग रहा है कि भाई इनिशियल लेवल पे डिमांड ज्यादा है या प्रोडक्ट की शॉर्टेजेस आ रहे हैं, तो कोटास के लिमिट हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते। उसके बाद दो एडवांटेज है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट में जो डेफिसिट आता है, मतलब इम्पोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा तो डेफिसिट नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देगा, कोटास दे देगा। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू, जो है वैल्यू कब करेंसीज की डाउन जाएगी, जब हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो करेंसी फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हम इम्पोर्ट कम करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसीज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसके कारण उसकी जो वैल्यू है डिमांड कम होने के कारण कम होगी, तो हमें ज्यादा पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ कोटा, कोटा से सरकार को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रेवेन्यू सरकार की कम हो जाएगी, लिमिटेड हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार को जो इंपोर्ट ड्यूटी मिलने वाली है वो ड्यूटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, सरकार को इसमें रेवेन्यू लॉस जा रहा है। करप्शन क्रिएट होगा कि अल्टीमेटली इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट अथॉरिटीज के थ्रू पास होना होगा, जिसमें ऑफिसर्स आएंगे बीच में और हर एक इंपोर्टर को कोटा हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये इंपोर्टर इतना इंपोर्ट कर सकता है। अब इंपोर्ट कोटा एलोकेट होते हैं डिफरेंट सेलर्स के बीच में, इसमें बीच में करप्शन आ सकता है, भाई इंपोर्ट मुझे कोटा ज्यादा चाहिए तो मैं करप्शन दूंगा और कोटा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। मोनोपोली क्रिएट होगी, जिस सेलर के पास कोटा ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहा है वो मार्केट में ज्यादा प्राइस पे बेचेगा, उसे पता है कि भाई इंपोर्ट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड दे विल सेल द प्रोडक्ट एट ए हायर प्राइस, व्हिच विल लीड टू क्रिएट मोनोपोली प्रॉफिट। कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली कस्टमर को प्राइस ज्यादा पे करना होगा। दूसरे देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि कोटा हम फिक्स कर देंगे तो वो हमें ज्यादा बेचना चाहते हैं लेकिन हम वो ज्यादा बेच नहीं पाएंगे, हमने कोटा डाल रखे, तो वो हमारे पास भी ज्यादा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसमें से जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, वॉट वी हैव लर्न टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।